हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शतरूपा और आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ और वो है ये हिमालया प्रोटीन हेयर क्रीम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने हिमालया स्टोर से बहुत सारा शॉपिंग किया है, बहुत सारा नया प्रोडक्ट्स खरीदा है जो मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ। उनमें से ये प्रोडक्ट है जो मेरे हेयर में सिर्फ 7 डेज में बहुत सारा चेंजेस लाया है, इसीलिए मैं आज इस प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस प्रोडक्ट के ऊपर में ही लिखा हुआ है हिमालया प्रोटीन हेयर क्रीम एक्स्ट्रा नरिशमेंट, नरिशेस हेयर, कीप्स हेयर हेल्दी। चिकपिया आमला इसमें यूज किया गया है और ये 100 ml का आता है। इसका प्राइस है 80 rupees और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 04/2019 और एक्सपायरी डेट है 03/2022। इस प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट्स है चिकपी और आमला। आमला हम लोग के हेयर के लिए कितना अच्छा है वो तो अलग से बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिकपी भी हम लोग के हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। हम लोग के हेयर लॉस कम होने में हेल्प करता है और हेयर ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है, बालों को स्ट्रेंथ देता है। पैकेजिंग भी बहुत ही क्यूट है और ट्रैवल फ्रेंडली है। जैसे कि देख रहे हो, इसका ढक्कन काफ़ी टाइट है तो ये इजीली खुलेगा भी नहीं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो मैं बोल देती हूँ, आमला की, चाणक का, गोधूमा और भिंगराज। और इनएक्टिव्स में मिथाइल पैराबिन और प्रोपिल पैराबिन लिखा गया है, यानी कि इसमें कोई पैराबिन यूज़ नहीं किया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा एक बात है। और यहाँ पे लिखा गया है कि ये हर्बल प्रोडक्ट है, इसीलिए शायद कुछ दिन बाद इसका कलर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसके डायरेक्शंस में लिखा गया है, अप्लाई सफिशियंट अमाउंट ऑफ हिमालया प्रोटीन हेयर क्रीम फ्रॉम रूट टू टिप, मसाज जेंटली ऑन स्कैल्प यूजिंग योर फिंगर्स टू स्प्रेड द क्रीम इवेनली फॉर बेटर रिजल्ट्स, यूज डेली बिफोर और आफ्टर हेयर वॉश। मैं कैसे इसको यूज़ कर रही हूँ इसका वीडियो मैंने आगे इस वीडियो में डाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हो तो इस क्रीम को नहाने के पहले भी लगा सकते हो, फिर बाल धो लीजिए, या नहाने के बाद वेट हेयर में भी इसको आप ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लेके हो, कम अमाउंट लेके हो, ये डिपेंड करता है आपका हेयर किस टाइप का है, तो वैसे आप करो, थोड़ा सा मसाज करो अच्छे से, फिर आप इसको छोड़ दो। आप ज़रूर देख पाओगे आपके हेयर में बहुत ही मतलब चेंजेस आएगा। और आप इसको स्पा की तरह भी यूज़ कर सकते हो, आप नहाने जाने से पहले इसको थोड़ा लेके अपने हेयर में अच्छे से लगाओ, 1 आवर तक रखो, फिर आप अच्छे से अपने हेयर को धो लो। और आप वेट जो स्टीम देते हैं ना, हम लोग गर्म पानी से, हॉट वाटर से स्टीम देते हैं एक टॉवल में भिगो के, वैसे भी आप रख सकते हो अपने हेयर को। 1 घंटा आपने अच्छे से लगा लिया क्रीम को, फिर आप वेट एक हॉट टॉवल लेके आप अपने बालों को अच्छे से बांध लो, उसके बाद 1 घंटा बाद आप उसको धो लो, तो आप देखना अपने आपके हेयर में बहुत ही चेंजेस आएगा। मेरा तो आया है, एक्चुअली 3-4 महीने पहले मैंने बालों को कलर किया था। अगर आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो करते हो मेरा, तो आप लोग देखोगे कि मैं फ्रीक्वेंटली बहुत ही हेयर कलर चेंज करती हूँ। मुझे पता है कि ये हेयर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो उस 3-4 महीने पहले मैंने थोड़ा लोकल पार्लर से किया था हेयर कलर, तो पता नहीं केमिकल खराब था कि क्या था, वो लोग क्या प्रोडक्ट यूज़ किया था, तो इसीलिए मेरे बाल थोड़ा ख़राब हो गए हैं और नीचे का पोर्शन ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट भी लिया है अपने हेयर को। लेकिन इस क्रीम
को लगाने के बाद सच्ची में मेरा हेयर बहुत सॉफ्ट हुआ है। आप लोग मेरे मतलब बातों को थोड़ा ट्रस्ट करके देखो, आप यूज करके देखो, बहुत सॉफ्ट हो गया है, मैनेजेबल हुआ है, कूम करने में भी बहुत ही इजी हो रहा है। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैं ये हेयर क्रीम 7 डेज से यूज़ कर रही हूँ और मैं हमेशा आफ्टर बाथ इसको यूज़ करती हूँ वेट हेयर में, यानी कि गीला हेयर में। तो मेरा हेयर इतना कर्ली है तो मुझे कोम करने में भी प्रॉब्लम होता है, और जैसे कि अभी हेयर बहुत डैमेज भी हो गया है, स्पेशली नीचे का एरिया जैसे आप लोग देख रहे हो वहाँ पे ही मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे का हेयर अभी भी कलर है। लेकिन इस हेयर क्रीम से मेरा हेयर बहुत ही मैनेजेबल हुआ है और पहले की तरह उतना हेयर भी नहीं गिर रहा है। मैं अपने स्कैल्प में भी इससे अच्छे से मसाज करूँगी। जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है मैं इस हेयर क्रीम को रात को भी लगा के सोती हूँ, या कभी नहाने जाने से पहले भी लगा के मैं इसको शैम्पू कर लेती हूँ। मैंने हेयर क्रीम को कुछ देर के लिए अपने हेयर में छोड़ दिया था, तब तक मैं रेडी हो रही थी वीडियो के लिए, और अब मैं अच्छे से कोम कर रही हूँ। देखिए बाल बहुत ही कम गिर रहा है। मैं अभी अपने हेयर को अच्छे से कोम कर ले रही हूँ, और ये लगाने के बाद मैं देखती हूँ जब बाल ड्राई हो जाता है उसके बाद भी एक शाइनी रहता है, शाइन रहता है, और लेकिन चिपचिपा नहीं रहता है। देख के आपको नहीं लगेगा कि आपने ऑयल लगाया है या कुछ लगाया है, लेकिन एक शाइन रहता है। फ्रेंड्स, हम लोग अगर मार्केट में कोई भी हेयर क्रीम या सीरम खरीदने जाते हैं तो 500 से लेके 1000 रुपीस तो लगता ही है, क्योंकि अगर आप अच्छा कोई भी ब्रांड का खरीदते हो तो ऐसा प्राइस तो पड़ता ही है। लेकिन हिमालय ब्रांड का है और हर्बल भी है, 80 रुपीस में इतना बड़ा डब्बा आ रहा है, और आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग भी यूज़ करके देखो, अगर अच्छा लगा तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, और ख़राब लगा वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।